सिस्टम्स क्या होते हैं, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट्स टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड अदर लेयर यूनिट्स, ये बात मालूम है। सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि फ्रांस के पेरिस में सर्विस में एक मीटिंग हुई थी उसमें ये माना गया, adopted in general conference of weights and measurements, adopted in general conference of weights and measurements in Sèvres, Paris, फ्रांस। ये लोकल है, ये शहर है, ये देश है। तो इसमें क्या चीज की गई इन 1971 में, ये अपनाया गया, कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जैसे सप्लीमेंट्री शीट्स नहीं होती कि बाद में अटैच की जाती है, वैसे तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एंड अदर डिराइव्ड यूनिट्स। सो हम लोगों ने ये बात पहले देख ली थी कि लेंथ की यूनिट क्या है, बेस यूनिट के बारे में चर्चा करें। सो बेस यूनिट में पहला आता है मीटर। मीटर क्या चीज है? सो 1 मीटर क्या होता है? सो 1 मीटर जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई लाइट, इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड by light in vacuum during a time interval, in vacuum during the time interval of 1/2 792 792 or 458 of a second। ये इसका मतलब समझो कि what it wants to say, कह रहा है वन मीटर क्या है। तो हमें लाइट की स्पीड वैक्यूम में पता है, तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है, इट इज एग्जैक्टली 3 नहीं होती है। तो ये कितनी होती है कि आप ये देखें इतने मीटर चलती है लाइट, सो 2.99 ऊपर के देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2.9 × 10⁸ करो तो भी 3 तो आता है, वही चीज है। सो 299 और 792 और 458 मीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय लाइट, इतना डिस्टेंस चलती है, डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, इन 1 सेकेंड। तो कितनी डिस्टेंस 1 सेकंड में चलती है, तो 1 मीटर डिस्टेंस कितनी देर में चलेगी, इट इज 1/299 792 or 458 सेकंड। तो 1 मीटर इज दैट डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाई लाइट इन दिस मच सेकंड इन वैक्यूम,
या ये कह सकते हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन दिस मच सेकेंड इज 1 मीटर, है बात कि नहीं? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन दिस मच टाइम इज स्पैन इज 1 मीटर, है वही बात? ठीक, चलो. सो सेकेंड इज किलोग्राम, सो 1 किलोग्राम इट इज यूनिट ऑफ मास. तो इससे क्या कहते हैं, ये एक रेप्लिका रखी हुई है, प्रोटोटाइप ऐसा, अब वो वैक्यूम में बंद है ऐसे, जो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की बनी है, प्लेटिनम और इरिडियम एलॉय की बनी है, और ये फ्रांस के सेवरेस और पेरिस में रखी हुई है. सो इट इज मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, इट इज मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, ऑफ द किलोग्राम. तो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि एक रेप्लिका या सिमुलेटर, प्रतिकृति, इसको सिमुलेटर भी कह सकते हैं, जो प्रतिकृति भी को रेप्लिका रखी हुई. तो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम जो कहाँ रखा है, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, और किसकी बनी हुई है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर, मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर की बनी हुई है. आगे देखेंगे, पहले भी हमने ये देखा है कि सीजियम में, सीजियम देखो क्या वो सिक्स उसमें आता है पीरियड में, तो क्या उसमें सिक्स अलग अलग क्षण होंगी, बोलो, तो अलग अलग क्षण होंगी. और फिर भी हमने एक बात आपको टेंथ में बताई थी कि उसमें सबशेल्स भी होती है, एसपीडीएफ पर भी कुछ, मतलब अलग अलग शेल के अंदर भी एनर्जी, सब एनर्जी लेवल होता है. तो अब जो सिक्स्थ सेल का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक है, लेकिन ये शेल खुद ही चार डिवीजन में बटी हुई है, जिसमें एक एस है, एक जिसमें पी है, और एक इसमें डी है, और एक इसमें एफ है. उनमें बहुत हाइपर फाइन लेवल्स हैं, इन सबको क्या कहते हैं, ये एनर्जी लेवल है, और ये क्या है, उनके सब एनर्जी लेवल है, सब एनर्जी लेवल. तो इनको ये भी कह सकते हैं कि हाइपर फाइन लेवल्स. तो अब वो जो सीजियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक सेकंड, वो समयांतराल है, 1 सेकंड इज दैट टाइम पीरियड,
इन विच दिस इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट्स. कितने टाइम जरा देखो तो कितने ज्यादा टाइम. सो इतने बार वो ऑसिलेशन कर लेता है. द सेकेंड इज ड्यूरेशन. द सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 periods of radiations corresponding. अच्छा radiations क्यों कह रहा है? Radiations जितनी बार वो ऊपर जाएगा तो energy लेके जाएगा, और लेकिन ऊपर से जब नीचे उतरेगा तो वो फोटोन रिलीज करेगा कि नहीं, क्योंकि तो ऑसिलेशन है, चार्ज के ऑसिलेशन से रेडिएशन रिलीज होते हैं. तो वो ऊपर जाने पे तो एनर्जी एक कॉन्स्टेंट से ले लेगा, लेकिन नीचे उतरते समय उतने रेडिएशन देगा तो उतने रेडिएशन रिलीज कर लेगा कि नहीं. वास्तव में ऑसिलेशन ही है. सो इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन between transition between two hyperfine levels, between two hyperfine levels of the ground state of the ground state of cesium 133 atom of सीजियम 133 एटम. अब देखो सीजियम है तो सीजियम में अगर हम देखें तो 57 होते हैं, 55 होते हैं, तो ये 55 है. अब जो बच गए वो कितने होंगे? 133 और 55 13 8 और ये 12 78 न्यूट्रॉन. तो ये 133 है जिसमें 55 प्रोटॉन है और 78 न्यूट्रॉन है, बात की नहीं. तो इस सीजियम आइसोटोप के जो इलेक्ट्रॉन को ये इसी स्टेट में रहे, सिक्स्थ में, n = 6 में, ये इसी ग्राउंड स्टेट है, सेवेंथ में ना जाए और यहीं बस हिलता डुलता रहे, क्योंकि इससे ऊपर चला जाएगा तो उसकी एक्साइटेड स्टेट होगी. सेवेंथ में चला जाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, एट्थ में चला जाएगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी. तो ये इसकी अभी कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट, क्योंकि अभी अपनी जगह पे है, अपने घर में है. तो ये n = 6 है कि नहीं? तो ये क्या कह रहा है? दैट इज बिटवीन टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम. दैट इज द नंबर 1 सेकंड इज दैट टाइम स्पैन इन व्हिच दिस मच रेडिएशंस आर एमिटेड. जितनी देर में इतने रेडिएशन निकल जाए ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन एस से पी में जाए, पी से एस में आए, इसको कहते हैं ट्रांजिशन, अतिक्रमण कर रहा अपनी जगह का. ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिशन बिटवीन एनी टू हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट. तो इतने रेडिएशन जितनी देर में दे सके उसे 1 सेकेंड कहते हैं. बोलो बात समझ में आ रही? कि जैसे मैं कहूं कि एक आपने स्केल रख दिया और ये कह दें कि द टाइम स्पैन इन विच द स्केल ऑसिलेट्स फॉर 10 ऑसिलेशंस इज कॉल्ड 1 सेकंड. जितनी देर में ये 10 ऑसिलेशंस दे सके उसे 1 सेकंड कहेंगे. और फिर हम इसमें फिर एक ऑसिलेशन कितनी देर में हो रहा है, क्या 1/10 सेकंड में हो रहा है? तो हम एक तरीके से हम एक नई घड़ी पैदा कर रहे हैं और जिसमें 0.1 सेकंड भी हमारे पास है. इसी तरीके से अगर मैं कितने ऑसिलेशन है तो मैं कहूँ एक रेडिएशन कितनी देर में कह रहा है, तो मैं 10^-13 सेकंड की एक घड़ी पैदा कर दे रहा हूँ. जैसे इसमें मैंने 1/10 सेकंड की घड़ी पैदा कर दी तो कहते हैं हमने सीजियम की घड़ी पहनी, रांडो की है, सीजियम है, 200 साल में 1 सेकंड बस बदलती है. कहते नहीं 1.5 लाख की आई है, 200 साल में 1 सेकंड की बदलती है. तो अब उसने घड़ी पैदा कर दी, उसने इसका लीस्ट काउंट तय कर दिया
कि एक रेडिएशन फिर कितनी देर में, इतने रेडिएशन तो एक सेकंड में कर लेता है, तुम देख भी नहीं पाओगे इतने तो, ये तो ढाई सैकड़ा हजार, दस हजार लाख, दस लाख करोड़, दस करोड़, फिर उसके बाद सौ करोड़, इतने रेडिएशन कर रहा, यानी वन बिलियन, तो वन बिलियन रेडियन, नाइन बिलियन कर रहा, नाइन बिलियन रेडिएशन जितनी देर में वो कर लेता है उस पीरियड को वन सेकंड कहते हैं, बिटवीन टू हाइपर समयांतराल को उस टाइम स्पैन को बन सके इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि What is one second now? Next is इसमें सर्कुलर करंट ऐसे से फ्लो होगी, अगर वायर में करंट ऊपर है तो ऐसी फील्ड होगी कि नहीं, ऐसी फील्ड होगी, तो इसमें जो फील्ड होगी वो अंदर जाती हुई होगी, देखो सारी फील्ड अंदर और वहां से ऊपर आती हुई, तो ये ऊपर आता हुआ तीर ऐसे लगता है कि नहीं, और अंदर जाता हुआ इनवर्ड है कि नहीं, ये कैसा है इन वर्ड, क्योंकि जो तीर होता है वो ऐसे होता है और फिर और पीछे उसमें ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, तो जब पीछे ऐसे ऐसे निकले रहते हैं तो ये ऐसे दिखता है और आगे से देखोगे तो ऐसे दिखता है, पीछे वाले को ऐसे दिखेगा, तो अब देखो तो ये अंदर जाता हुआ है, ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि फील्ड हमें पता है और करंट भी पता है, इसमें भी ऐसी करंट प्रवाहित आ रही है, तो अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल क्या कहता है, एफ बी, ठीक है, तो फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तो करंट ऊपर, करंट ऊपर है और बी अंदर, तो फोर्स किधर, अट्रैक्टिव है, देख लीजिए B अंदर, I ऊपर है, I फोर्स इधर, ऐसे ही इसमें इधर हो गया ना फोर्स, अब इसकी वजह से फिर से इसमें इसका रूल लगाओ, जैसे मैंने इस पे लगाया था मैक्सवेल राइट हैंड रूल, हाँ रूल इसमें भी लगाओ, तो इसमें जो है इसकी वजह से जो करंट पैदा हो जिससे फील्ड पैदा होगी तो फिर सर्कुलर होंगे, तो इसमें की वजह से इधर की ओर तो ऊपर उठती हुई फील्ड होगी ना और इधर अंदर जाती हुई, तो इधर की जो ऊपर उठती हुई फील्ड होगी वो ऐसी होगी और इधर वाली ऐसी होगी, तो इसमें भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, तो इसमें ये बी है, बी तो बी कहाँ है, क्या ऊपर, और आई कहाँ है, ये देखो ये बी है, तो B ऊपर दिखाया, F B B ऊपर है और I I ऊपर दिखाया और B आउटवर्ड ऑफ द पेपर और फोर्स इधर हुआ, तो इस पर फोर्स किधर हुआ, इधर तो क्या दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और अगर इनके बीच की डिस्टेंस आप ले ली जाए
तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू 2×10⁻¹ और I1 I2 by R। अगर वैक्यूम में रखे हैं, जब किस में रखे हैं तो इतना होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और पर यूनिट लेंथ पे, कितने लेंथ पर, और लेंथ बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगा, धीरे धीरे वायरे फिर ऐसे हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। अब जरा देखिए, तो एम्पियर इज दैट कॉन्स्टेंट करंट। अगर मान लो मैं इन दोनों में 1-1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हूं, तो 1-1 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा हूं और साथ में इनके बीच की डिस्टेंस भी 1 मीटर ही रख दूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और अगर लेंथ भी 1 ही रख दूं, तो बोलो कितना इनके बीच में पर यूनिट लेंथ पे फोर्स लगेगा, पर मीटर, क्योंकि पर मीटर फोर्स इतना लग रहा है, पर यूनिट लेंथ भी है कि नहीं। तो अब आप समझ गए कि 1 एम्पियर वह करंट है जो दो समानांतर रखे हुए अनंत लंबाई वाले तारों में, 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट विच इफ इज फेड इन टू वायर्स केप्ट पैरेलल, टू स्ट्रेट वायर्स केप्ट पैरेलल इन वैक्यूम अपार्ट 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, एक्सर्ट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 2×10⁻¹ मीटर पर यूनिट लेंथ। यानी पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ में दो वायर अगर इतना फोर्स एक दूसरे पर एक्सर्ट कर दें, तो ये माना जाएगा कि उन दोनों वायर में बहने वाली करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर, जो कि 1 मीटर दूरी पर रखें। अब यही चीज लूप कह रही है, आपको सो द एम्पियर इज दैट कॉन्स्टेंट करंट विच इफ मेंटेन, इफ मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, इन स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ओके ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनकी कितनी लंबाई है, इनफाइनाइट लेंथ, टू स्ट्रेट पैरेलल करंट में हमने फेड कर दी, ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, बहुत पत्ते तार है, नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ऐसा, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। इस नियम के बारे में, इस लॉ के बारे में हम आपको आगे बता देंगे, बायो सेवर्ट लॉ है, तो ये आगे चल के 12th में आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या फॉर्मूला है, ठीक है। सो दैट इज प्लेस्ड 1 मीटर पार्ट पर रखे हैं, वो नेग्लिजिबल सर्कुलर क्यों पैरेलल हो, और वैक्यूम में रखे हैं, इन वैक्यूम ओके वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर्स, वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर्स अ फोर्स इक्वल टू, कितना फोर्स, 2×10⁻¹ न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ऑफ लेंथ इन 1948 में डेफिनेशन बनी। फिर से बताएं क्या कह सकते हैं, आगे ना, सिंगल नहीं तो
ये हो जाएगा। The thermodynamic temperature of tipping point of water, यानी कि ये माना जाए वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होगा। अच्छा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सॉलिड है और सॉलिड के ऊपर से सारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक डाल दिया जाए तो क्या वो जो बर्फ है वो धीरे धीरे, आइस है जो, वो धीरे धीरे वेपर में भी बदल सकती है? हाँ, बदल सकती है। तो सॉलिड से लिक्विड तो बनाया ही जा सकता है, सॉलिड से वेपर भी बनाया जा सकता है, जहाँ तीनों पोजीशन यानी सॉलिड लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करे, ऐसा प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन क्रिएट किया जा सकता है। सो देयर इज सच पोजीशन कैन बी क्रिएटेड कि तीनों चीजें क्या करें, आपकी केमिस्ट्री की बुक में है CO2 का को एग्जिस्ट का दिखाया है, इसमें तो नहीं दिखाया है। तो उसमें एक ऐसी कंडीशन जिसमें तीनों को एग्जिस्ट करती है, तो हमारे पास वो चीज क्या है कि ये प्रेशर है और ये क्या है, टेम्परेचर। मान लीजिए इसको 273.15 केल्विन ले लिया जाए, यही तो 0 डिग्री सेल्सियस है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ो तो ये कौन सा पॉइंट होगा, 273.16 केल्विन, यानी 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर और प्रेशर कितना रखा जाए, 0.00168 किया, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको मैंने कितना हजार गुना रिड्यूस कर दिया, हजार गुना तो कम हो गया ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो माना जाता है, उससे भी हमने कितना कम कर दिया, हजार गुना कम कर। तो हटाते गए हटाते गए, तो फिर अब सॉलिड है उसमें से वेपर्स भी निकलने लगे, आइस में से वेपर्स आने लगे, और टेम्परेचर इससे थोड़ा डिविएट कर दिया, तो तभी वो आइसी रहे, पॉइंट वन से कुछ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वो पॉइंट है जिसमें और अगर आगे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे वो लिक्विड बनेगा, और एक लिक्विड बन जाएगा और साथ में एक तरफ इसमें यहाँ पर ऐसे एक ऐसे बनेगा और साथ में ये प्रेशर कम करते जाएंगे। तो अब ये देखो प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति होगी, एक दो तीन ऐसे, तो एक हो गया सॉलिड और एक हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस, और ये कौन सा हो गया जहां पे तीनों एक साथ है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 273.16 केल्विन और 0.0016 एटीएम, यानी प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर कोऑर्डिनेट है कि नहीं, ये टेम्परेचर केल्विन में ले लिया और ये प्रेशर एटीएम में ले लिया। तो ट्रिपल पॉइंट अगर ये है, यानी ट्रिपल पॉइंट का अगर मैं 1/273.16 कर दूं तो क्या 1 केल्विन ना आ जाए, मान लो ट्रिपल पॉइंट 100 केल्विन होता तो मैं कहूं कि 1/100 ऑफ 100 केल्विन इज 1 केल्विन, जो उसका पॉइंट है उसमें उतने से डिवाइड कर दो तो क्या 1 केल्विन ना आ जाए। तो उसी तरीके से जो ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कोएग्जिस्ट, दैट टेम्परेचर प्रेशर कोऑर्डिनेट एट विच, और ऐसा सबके साथ हो सकता है, चाहे लोहा हो या कुछ हो, सबके साथ हो सकता है। तो ट्रिपल पॉइंट पहले समझो, ट्रिपल पॉइंट किसे कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज दैट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस एट विच 3 स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ मैटर को एग्जिस्ट। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, फॉर H2O इट इज 276.16 केल्विन कॉमा 0.00168। अब हम लिखेंगे 1 केल्विन क्या है,
द केल्विन इज द फ्रैक्शन, द केल्विन इज द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ थर्मो डायनेमिक टेम्परेचर temperature of triple point of water जो ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है उसमें से 273 में से अगर मैं इतने से ही डिवाइड और कर दूं तो वन आ जाए इसका इतना हिस्सा थर्मो ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर है उसका इतना पार्ट वन कर देंगे बोलो है बात सही कि नहीं सो दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर चलिए इतना नोट कर लिया ओके नाउ नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो आपको मालूम है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल में लिया जाता है तो कि द सब्सटेंस विच कंटेन्स एनी वन मोल की डेफिनेशन द पार्टिकल्स इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर इस कॉल्ड वन मोल बहुत आसान जिसमें इतने पार्टिकल हो से क्या कह दो वन मोल अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाए कह दो अच्छा इतने पार्टिकल अगर हाइड्रोजन एटम के हो तो वो 1 ग्राम होते तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है 1 मोल मोल पूरा है और शॉर्टर में मोल कहते हैं चलो मोल पूरा लिखने हो जब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मोल सो द मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम द मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains as many entities so as many elementary entities three elementary का मतलब सिर्फ element लो entities जैसे carbon में C element है H2 में H element, elementary entity, element का ही table है,
एलिमेंट्री एंटिटी, C2 मत लो या H2, मतलब वैसे C2 होता ही, एलिमेंट्री एंटिटी एस देयर आर एटम्स, एस देयर आर एटम्स। खैर जब कभी हम मॉलिक्यूल्स लेंगे जैसे CH4 है, तो CH4 के केस में उसकी एलिमेंट्री एंटिटीज मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्योंकि जितने CH4 जो उसकी बेसिक एंटिटीज, जो उसका मूल रूप, यहाँ एलिमेंट का इससे ही मतलब नहीं है, एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब है कि जो फ्रीली एग्जिस्ट करे, तो एलिमेंट्री एंटिटीज है। जैसे हम H2 के केस में निकालेंगे तो H2 ही लेंगे, क्योंकि वो उसकी फ्री एंटिटी है, जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करे उसका वो मतलब। तो हम H2 का मोलर मास निकालेंगे तो 2 ग्राम आएगा, और H का निकालेंगे एटॉमिक H का तो 1 ग्राम आएगा, CH4 का निकालेंगे तो उसकी एलिमेंट्री एंटिटी CH4 मान जाएगी, तो 16 ग्राम। बोलो बात समझ में आ गई। As there are atoms in 12 ग्राम, अब लेकिन चूंकि ये फिजिक्स है तो उसमें kg में लिखा जाता है, केमिस्ट्री होती तो पर ग्राम लिखा जाता, वो cds में चलती है। ऑफ कार्बन पर, ऑफ कार्बन पर, तो अगर 12 ग्राम कार्बन का टुकड़ा इतना बड़ा होता है हल्का सा, तो उस 12 ग्राम टुकड़े में जितनी एंटिटीज होंगी, मान लो जैसे ये है, तो ये कार्बन का टुकड़ा 12 ग्राम, तो ये देखो उसने हमको वो दिया, ये लगभग 12 ग्राम, इसमें जितने पार्टिकल्स होंगे उतने पार्टिकल अगर कहीं पाए जाए तो उसे बर्नौली में, सो दैट इज व्हिच कंटेन्स एज मैनी एज एलिमेंट्री एंटिटीज व्हिच आर प्रेजेंट इन, ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, जितने 12 ग्राम। तो अब जरा देखो कि हमें ये बात मालूम है 12 ग्राम में कितने होते हैं, तो वन मास ऑफ वन कार्बन एटम क्या होता है, वन कार्बन एटम इट इज इक्वल्स टू, इसमें कई चीजें ली जाएंगी, क्योंकि कार्बन है तो कार्बन में क्या 6 प्रोटॉन होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे और क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब तो होंगे C12। तो कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होगा एक कार्बन एटम का मास। अब जबकि हमारे पास ये सारी चीज मौजूद है कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी, तो अब हम लोग देखें कि कितना कितना उसका मास होगा। तो अब ये देखो प्लांक टेबल, तो इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया 9.109 और मास ऑफ प्रोटॉन देखो, तो प्रोटॉन जिस मास आ गया, तो मैं लिखता जाता हूं, तुम मुझे बताती जाओ, ये लो, सो ये लो, तो 6 इंटू मुझे मास ऑफ प्रोटॉन बताओ, 6 मैंने कॉमन ले लिया तो 1.672 इतना ही लो, और इंटू 10^-27 न्यूट्रॉन का बताओ 675 674, ओके, और इनटू 4 के आगे क्या था वैसे, 9.0, हाँ तो 5 ले लो क्योंकि राउंड करो वो ज्यादा अप्रोक्सीमेट, और 672 क्या क्या था, 614, तो 3 ले लो, थोड़ा थोड़ा राउंड ऑफ कर देते, अच्छा -27 और प्लस 9.09 इनटू 10^-7 -7, कितनी बार समझा, अब जरा देखो कि 6 बाहर रहने दो और इन दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना आया, ना भी जोड़ो 1.673 और इनटू 10^10 छोड़ो और बोलो 1.675 है,
और ये कितना है, जरा इसे सोचो, मैं अगर इसको बड़ा करूं, मैं इसमें करीब करीब 10,000 का मल्टीप्लाई कर रहा, तो क्या 10,000 से डिवाइड भी करूं? देख लो 9.109 है और इनटू 10^-31 है, और मैं 10^4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 10^4 से डिवाइड ना करूं? ऐसा करने से क्या बन जाएगा, 10^-27, और ये क्या बन जाएगा, 0.0009 बन जाएगा कि नहीं, बोलो। उधर वो बन गया, ये साथ में मैंने ये कर दिया चार्ट जीप कर। अच्छा अब सबको जोड़ेंगे तो ये नेगलेक्ट किया जा सकता है इसके कंपैरिजन में, तो हमारे में 6 आ गया और इन दोनों को जोड़ लो तो 1.673 और 1.675 तो क्या आ गया 3.348 है। तो 3.348 दिस इज नेग्लेक्टेड और इनटू और क्या आ गया 10^-27 आ गया। चलो इन सब में भी तो लिखना ही पड़ेगा ना 10^-27, तो मैं अब ये सब चीज बाहर लिख लेता हूँ, बोलो बात सही है, वो कॉमन लिख लिया उसमें तो मैंने बता ही दिया कि क्या हुआ, कॉमन लिख लिया तो 10^-27 हो गई ना, सबका बदल दिया वहां पहले से दिखा दिया। अच्छा अब जरा इसका मल्टीप्लाई करो मुझे बताओ 6 का, और इनटू 10^-27। अच्छा 12 ग्राम में ये जो भी चीज आई है क्या ये केजी में है, क्योंकि ये सब केजी में, देखो देखो उसमें दशमांश सब केजी में लिखा है, तो ग्राम में बदलना तो क्या करूं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 20.088 अब इनटू 10^-27 इनटू 1000, अभी ग्राम में बदल गया तो क्या लिखूं, इनटू 10^-24 ग्राम हो गया। तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 ग्राम में कितने हुए, ये तो एक एटम का मास है, तो 12 ग्राम में ले लूं किसी बर्तन में कार्बन, तो एक एटम का मास कितना है, क्या 20.0088 में लिखा जाता है एक डिजिट के बाद, तो इसे छोटा किया तो उसे और बड़ा कर दो, सो दैट इज 2.0088 × 10^-23 ग्राम आया। एक पार्टिकल का इतना मास और टोटल है 12 ग्राम, तो कितने पार्टिकल हुए, तो इसमें इससे डिवाइड कर दो, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम, इन 12 ग्राम कार्बन 12, सो इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो जरा देखो, सो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.088 × 10^-23, जरा इसको करके दिखाओ, फाइव पॉइंट आ गया। इसको हमने 6.3 कर दिया और ये क्या था 7.49, दोनों को हमने बढ़ा ही दिया ना, बढ़ाना नहीं चाहिए था क्योंकि हमने बढ़ा दिया इसलिए चीज छोटी हो गई, 7.49 है। थोड़ा हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम लोग फायदा उठा रहे हैं, और ये कितना था 2.672 है, इन्हीं दोनों को ले लें, तो जरा 1.6726 और 1.6749 इसे जोड़ो तो 3.3475 अब मल्टीप्लाई करो, ट्वेंटी पॉइंट जीरो एट टू
एक टू है ना, इसे टू लिखो। अच्छा अब यहाँ करो, अब डिवाइड करो, देखें सिक्स से मल्टीप्लाई किया है आपने, थ्री कर दिया, 1.6726। कितना आ रहा? ओके, तो ये चीज हमने सही जोड़ ली है, 6 6 12 13, 3.34 है, कुछ लेना पड़ेगा। 3.34 इंटू 6 करो जरा, कुछ ना कुछ इन्होंने अप्रोक्सीमेशन लिया है। 20.0 20.0। अब जरा इसमें 2.04 का करो, देखेंगे कि मास ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम में एक्चुअली हम लोग इंडिविजुअल का ले रहे हैं, गड़बड़ी ना हो रही है कि जब ये आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो जब बॉन्डिंग करते हैं तो इनका कुछ मास टकरा कर नष्ट हो जाता है। वास्तव में हम पूरा पूरा ले रहे हैं कार्बन का, ऐसा होता नहीं है। जो एटम का टोटल मास होता है वो इंडिविजुअल एटम से कम होता है, बिकॉज व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, जब पास में आते हैं तो उनका ये जो कुछ मास है वो खो जाता है, दैट इज कन्वर्टेड इन टू एनर्जी। तो अब हम वन कार्बन एटम का मास देखें तो हमें पता चल जाए, है ना, मास वही नहीं होता है जो हम लोग देख रहे हैं। सो वी शुड सी द मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो पता चले क्या होगा। जैसे इसमें मास अगर दिया हो तो कोई बात नहीं, हम वहां से देख लेते हैं कार्बन एटम का मास कितना होगा, है ना। सो दैट इज मोलर मास कार्बन एटम का मास, इट इज 12.011 मोल से तो नहीं चलेगा, लेट से देखो कुछ मास का होता है। चलिए 1.99, जब हम इसमें देखेंगे केमिस्ट्री की बुक में तब पता चलेगा कि व्हाट इज द टोटल मास। टू नहीं होता है, 1.9997 होता है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमें याद आ रहा है कि कितना होता है, टू नहीं होता है, 1.9997 होता है, ठीक है, लिखने का मतलब नहीं चल रहा है। तो होना ये चाहिए, बट टोटल ये चीज है, बट ऐसा होगा नहीं। जैसे हमने आपको बताया कैलकुलेट तो कोई ऐसे ही करेगा 5.54, हाउएवर मास ऑफ वन कार्बन एटम इज दिस मच केजी। तो ये पार्ट हम इसलिए अभी हटा दे रहे हैं क्योंकि द एक्चुअल मास इज लेसर देन द टोटल सम मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बिकॉज व्हेन दे कोलाइड देन दे लूज देयर मास, द पार्ट ऑफ मास। तो उसको हम लोग कहेंगे कि बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं उस चीज को।
तो अब ये देखो, तो इससे डिवाइड करो तुम, ठीक नहीं है, ट्रिपल जीरो आता ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब करो जरा, अगर मैं 6 पॉइंट से डिवाइड करूं तो ही मुझे समझ में आएगा जो उसका मास है ना, 6.022 से डिवाइड करके सही पता चल जाएगा, वही मिल जाएंगे। तो देखो जरा एक बार और टाइप करो, 6.009। अब इसको इसमें डिवाइड करो, वही चीज है। ये इसका एक्चुअल मास, अब इससे करोगे तो वो आ जाए। सो इट इज 6.022 इंटू 10^23 कार्बन एटम, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट गया और कार्बन एटम आ गए। समझ में आया ये मेथड, ये क्यों फेल हुआ आपको समझ में आ गई ना बात, क्योंकि उसका कम होगा, होना इतना चाहिए, पाया इतना गया, कम क्यों हुआ, क्योंकि वो कोलाइड होकर एक पार्टिकल बनाएगी नहीं। So, जिसमें इतनी एंटिटीज हो, यही अवोगाड्रो नंबर है, तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या कहेंगे, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड वन मोल। तो कोई भी चीज हो तो उसमें अलग अलग है, कोई वन मोल इतना सारा हो जाएगा नमक चीनी या इतना हो जाएगा, नहीं सब वन मोल है, कोई 3 ग्राम है पानी, वन मोल में अलग अलग चीजें हैं नहीं। सो इसलिए वन मोल की डेफिनेशन समझ में आ गई, amount of substance which contains as many entities as in 0.012 kg of carbon atom, is it okay? So इतने particle जहाँ पे हो, it is called Avogadro number। तो ये भी लिख सकते हो Avogadro number। So यानी कहा जा सकता है कि द सब्सटेंस विच कंटेन्स एंटिटीज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर इज वन, द सब्सटेंस विच कंटेन्स, अभी मॉडिफाई कर दी गई डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच कंटेन्स एंटिटीज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर इस वन मोल, हमें क्या लेना देना है कार्बन से, इतनी संख्या जहां हो वही वन मोल है बात की नहीं। लास्ट डेफिनेशन कर दो उसमें स्टेरिडियन आ गया है, तो अभी मैथ्स निकाल लिया,